राठौड़ साहब मैंने वीडियो भेजा, मैंने एक वीडियो चूरू में भेज दीजियो, जे नींद आ जाए रात ने तो मेरो नाम बदल दीजियो। के क्यों काम करेड़ो बता दे, मोटियार नहीं तो पानी पी ले, थूक मुटिया मेर ओटो चलो जा। 2014 के मायने सीकर की जनता एक जाटी छोली राजनीति के माध्यम से जाटी छांगी, छोली नहीं जाटी छांगी, जो भाई जी आज तानी उल्ली को नीर अब उल्बा का कोई चांस नहीं। वो लोग आरोप लगाने यहाँ आते हैं जो जेलों में जा चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और मेरो मित्र सुभाष मेहरिया कट्टर ईमानदार है, बिना चुनाव जीता आकेर गया गया न, कट्टर ईमानदार ने घर भेज दिया और आज तक ठिड्डो बोल लगे जासी कटे। आज जो ये जनता जनार्दन अपने आप आई हुई है बढ़ाडर के पास में फार्म हाउस से पैसे लेकर के नहीं आई है, और मौको लागे तो लक्ष्मणगढ़ ने जिलो बड़ा बाकी भी आ सकता है। और मे लोग संभाग मांगियो, सीकर संभाग बनगो, राजेंद्र जी राठौड़ सीकर का नीचे चूरू आवे संभाग। राजनीति ने बिजनेस समझे बैठे यार, भाषण देवेगा, मंत्री नहीं बोलते थे दिल्ली के लोग, दलाल मंत्री बोलते थे, दलाल मंत्री। अगर ये कह दे कि मैंने गोविंद डोटासरा का 100 का नोट दिया तो जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज यहां परिवर्तन यात्रा निकली, परिवर्तन यात्रा थोड़ी बा डुक्का डुक्की फिल्म ही। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो यहां तरह तरह की बातें करते हैं कि विकास तो सही कराऊ है, तो फिर थारे हियोवानो क्या हो, थे क्यों को नहीं करायो। 15 साल एमपी केंद्र में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल पिछला शासन, और उसके बाद में आज जो टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं, उम्मीदवार बन रहे हैं, परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। मैं इस मंच से एक चैलेंज देना चाहता हूं उन लोगों को, एक भी पीएससी, एक भी सीएससी, 1 किलोमीटर सड़क, 1 स्कूल, 1 कमरा अगर वो बता दें तो मैं उनको बात करने के लिए तैयार हूं कि आप बता दीजिए लक्ष्मणगढ़ में आप हैं। अगर थोड़ा बहुत काम किया तो श्री केसरदेव बाबर एमएलए रहा था भारतीय जनता पार्टी के समय, उसने किया होगा। और अधिकतर अगर काम किसी ने लक्ष्मणगढ़ में इन 50 सालों में किया तो उसका नाम है परशुराम मोरदिया, कांग्रेस का विधायक। ये जो आज आ रहे हैं ना, लंबा लंबा मुंह निकाल करके, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में पाड़ा बदल कर करके, जोर कर करके, उनका 1 रुपये का काम लक्ष्मणगढ़ के लिए नहीं किया हुआ है। आज यहाँ परिवर्तन यात्रा निकली, परिवर्तन यात्रा थोड़ी बा डुक्का डुक्की फिल्म ही। मारे हेठे मंत्री जी डुक्का डुक्की पिक्चर 40 बार 2-4 दिन पहले चाली ने, एक नारा बुला वाला ले आयो, दूसरा नारा डांट वाला ले आयो, एक टेंट लगा दियो, 5-7 जना मिलर जनता जो भी आ सकी मां से ले आया। पहले भी यात्रा करी, अब के भी यात्रा करी, एक आदमी को मैंने टेलीफोन नहीं किया। मेरे ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरा प्रधान, मेरा चेयरमैन और आप लोग हो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने एक सिंगल व्यक्ति को फोन नहीं किया कि आपको 20 तारीख को यहां मीटिंग में आना है, मैंने एक आदमी को फोन नहीं किया। ये गवाह है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कसम से कहता हूं कि मैंने मेरे प्रधान और चेयरमैन को भी टेलीफोन नहीं किया, मेरे सरपंचों को फोन नहीं किया। ये जनता मंत्री महोदय दिल से आई है, अपने आप आई है, अपने जनसेवक के लिए आई है। राठौड़ साहब पिक्चर भेजे, पिक्चर भेजनी है ना राठौड़ साहब,
तो सीकर को संभाग मिल गया, उसकी भेजो। पिक्चर भेजनी है भारतीय जनता पार्टी वालों, तो हमारे हॉस्पिटल जो आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रसादी लाल जी मीणा ने डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल दिया है, इसकी भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो लेह लहाते नेचर पार्क की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो इस पंडित नेहरू के इस स्टेडियम की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो 1100 किलोमीटर सड़कों की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो 630 कक्षा कक्ष स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके कमरों की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो नरोदड़ा में बन रही कॉलेज की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो नेछवा के SDM कोर्ट की भेजो। अगर पिक्चर भेजनी है तो पंचायत समिति नेछवा की और वहां कॉलेज बन रहा है उसकी भेजो। और अगर फिर भी आपका कैमरा काम करे तो जो गांव में अनगनत PSC CSC सब सेंटर, सड़कें, खूरे, जो पानी का काम, जो स्टेडियम बन रहे हैं, स्कूलों के अंदर बन रहे, उनकी पिक्चर भेजो भाई साहब। ये डुक्का डुक्की पिक्चर की पिक्चर भेजवाऊ का फायदो मतलब के भाषण दो थे यार, के बात का भाषण दो थे। कोई कहता है भ्रष्टाचारी है, कोई कहता है रावण है, कोई कहता है अहंकारी है, कोई कहता है झूठा है, पर कहते कौन है? वो धोध के रिजेक्ट हुए नेता जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। इनको शर्म नहीं आती? यहां आकर के मुझे भ्रष्टाचारी बताते हैं। वो लोग भ्रष्टाचारी यहां मुझे बताते हैं, वो लोग भ्रष्टाचारी बताते हैं जो पद जीते नहीं लेकिन पद पैसे से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो गोविंद डोटासरा को भ्रष्टाचारी बताते हैं। वो बे लोग जाटी छोलबा की मन नसीहत दे, जाटी तुलसी माता है, जाटी छोली गोनी जाए, जाटी छांगी जाए। और जाटी छांगे ने जना बा जाटी बढ़िया उल्ले और बढ़िया हरियाली वे और तुलसी माता के रूप के मायने बा पूरी विकसित हुए। भी जाटी ने छोलबा की बात कर रहा है, बा जाटी किसान की आत्मा है, छोलबा के लिए कोनी। भी जाटी ने भाई जी छांगी सीकर की जनता 2014 के मायने MP चुनाव में आज तानी को नहीं उल्ली। 2014 के मायने सीकर की जनता एक जाटी छोली राजनीति के माध्यम से जाटी छांगी, छोली नहीं जाटी छांगी, जो भाई जी आज तानी उल्ली को नहीं, अब उल्बा का कोई चांस नहीं। ये अंग्रेज आया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, आपनु शोषण करियो, आपनु दमन करियो, आपने से लूट है, अर्ज की देश भारत सोने की चिड़िया ही बिन लूट विदेशा में लेगा कौन लेगा। बा ईस्ट इंडिया कंपनी सीकर जिले से पूरी खत्म होगी है, दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोनियाबा देनी है। मैं MLA बनूं नहीं बनूं, मैं आगे राजनीति करूं नहीं करूं, लेकिन मैं लक्ष्मणगढ़ और सीकर जिले की भलाई के लिए ईमानदारी से आज कहना चाहता हूं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा लक्ष्मणगढ़ नहीं सीकर जिले में नहीं आनी चाहिए, सीकर जिले में नहीं आनी चाहिए। क्या कहीं बात करो थे, दोध में प्रधान बना में
कोऑपरेटिव में, भूमि विकास बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, एमपी में, एमएलए में, दोज से में एमएलए, फतेहपुर से में, लिछमगढ़ से में, अरे आपको भी नंबर आज सीखे कदे थे ही थे। पिछले चुनाव में भी जब सुभाष महरिया जी लड़िया ने 2013 में, जहां ऐ राजेंद्र जी राठौड़ साहब मैंने चुनाव जितार गया, ऐ मैंने एक बठियार भाषण दियो रामलीला मैदान में, मंत्री जी बोलिया गोविंद डोटासरा घमंडी है, तहसीलदार से पैसे लेता है, थानेदार से पैसे लेता है, कमीशन लेता है, बाड़ू बाबावे है, हैं? ए कमियां गिनाए और कहो के गोविंद डोटासरा ने मत जिताओ, और मेरो मित्र सुभाष महरिया कट्टर ईमानदार है, बिन चुनाव जिताओ आ कहर गया गया ने भी कट्टर ईमानदार ने घर भेज दियो, और आज तक ठिड्डो गोलना की जासी कटे। गोविंद डोटासरा की ताकत को नहीं, आ लक्ष्मणगढ़ की आदरणीय जनता जनार्दन भगवान के रूप में ही बाकी ताकत थी। अगर एक सरपंच, एक अधिकारी, एक ठेकेदार, राजस्थान का एक व्यक्ति, लक्ष्मणगढ़ हो, सीकर हो, पूरे राजस्थान में अगर ये कह दे कि मैंने गोविंद डोटासरा का 100 का नोट दिया तो जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब दिल्ली में कुछ लोग मंत्री थे ना, तब उनकी पहचान थी, मंत्री नहीं बोलते थे दिल्ली के लोग, दलाल मंत्री बोलते थे, दलाल मंत्री। मेरे लिए ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सवाल पूछ लिया, मेरे लिए पूछा था क्या? गोविंद डोटासरा के लिए नहीं पूछा। भ्रष्टाचार कौन सी सरकार में नहीं है भाई, लेकिन भ्रष्टाचार मेटने का काम हमारी सरकारें करती हैं। आज क्या भारत सरकार का एक भी मंत्री, संतरी, अधिकारी कभी कोई पकड़ा नहीं जाता है? इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आज इन लोगों ने यहां आकर के, दूसरे लोगों ने, विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोगों ने लक्ष्मणगढ़ के ईमान को चैलेंज करने की कुचेष्टा की है, उसको चैलेंज करने का काम किया है कि अगर इस भ्रष्टाचारी मंत्री, भ्रष्टाचारी एमएलए को हटाओ, अगर एक नए रुपए का भ्रष्टाचार किया तो एक वोट देने की जरूरत नहीं है, एक वोट नहीं मांगूंगा। लेकिन पीसा देर पद ले हुए वे भी मेरी इस तरीके की बात करे, राजनीति ने बिजनेस समझे बैठ यार भाषण देवेगा, वो तो मैं पहली सोची कोनी नहीं। लिछमगढ़ ने अब काला मौको हो जिल्लो बना देता जिल्लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मायने मुख्यमंत्री जी से मैं संभाग मांगियो सीकर को, हाकम भाई, और मे लोग संभाग मांगियो सीकर, संभाग बनगो राजेंद्र जी राठौड़ सीकर का नीचे चूरू आवे संभाग, समझगा बात ने? और सांस ही काट कौन से क्या, सांस को निकाट से क्या, सांस को निकाट से क्या? इसलिए कि गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत की सरकार कोई गलत काम नहीं करती है। ये जो राजनीतिक बेईमानी रखने वाले लोग हमारे दामन पे दाग लगाने की चेष्टा करते हैं, वो गोविंद डोटासरा के दामन पे दाग नहीं लगा रहे हैं, वो लक्ष्मणगढ़ के उन मतदाताओं के दामन पे दाग लगा रहे हैं। अगर यहां आकर के उल्टे पुल्टे भाषण देते हैं तो आपका खून खोलता है, और इसीलिए मंत्री जी आज जो ये जनता जनार्दन अपने आप आई हुई है बढ़ाडर के पास में
फार्म हाउस से पैसे लेकर के नहीं आई है, ये दिल से आई हुई है। लक्ष्मणगढ़ की जनता का ईमान कोई पैसा नहीं खरीद सकता है, ये सुन लो भारतीय जनता पार्टी के लोगों। लक्ष्मणगढ़ की जनता ईमानदारी उनके खून में है, उनके रग रग में है। जिसको देते हैं ईमानदारी से काम देख करके आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे इन चंद चंद टुकड़ों में, नोटों के टुकड़ों में बिकने वाले लक्ष्मणगढ़ के लोग नहीं है। मैंने लोग कहे थाने पहले काले पूनी पांच में बेचियो, सट्टे के मायने बेचियो ना, पूनी पांच में बिकवायो, वो रिप्या के पान बिकवायो, जनता को नहीं बेचियो पूनी पांच में। जनता के अंदर पूछना बोले पांच पीसा में जीतते गो, पांच पीसा में, पांच पीसा। अगर गोविंद डोटासरा ने दिल से किसी को ताऊ, किसी को चाचा, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को दादी, किसी को चाची मान करके अगर सेवा की है, तो इस भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्मणगढ़ से सूपड़ा साफ कर देना, सूपड़ा साफ कर देना। वो लोग मेरे ऊपर यहां लांछन लगाते हैं जो जेलों में जा चुके हैं, वो लोग आरोप लगाने यहां आते हैं जो जेलों में जा चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे रिश्तेदार, मेरा मित्र, मेरे बेटा का सागे तैयारी करेड़ा मित्र, बाके ऊपर साके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ए नेता केंद्रीय एजेंसियां इनकम टैक्स ईडी ले रहा है, परेशान कर रहा है बाने के गोविंद डोटासरा को क्यों बता दियो, गोविंद डोटासरा को क्यों बता रहे हो, बाने को नहीं बताऊं, मैं बताऊं। गोविंद डोटासरा का जिंदगी में 100 रुपए का भ्रष्टाचार मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, गोविंद डोटासरा का 100 रुपए का भ्रष्टाचार थे। परेशान कर सको, सत्य को परेशान किया जा सकता है, राजेंद्र जी राठौड़ साहब पराजित नहीं किया जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता। अने एक ही बात बूझियो के क्यों काम करेड़ो बता दे, मोट्यार नहीं तो पानी पी ले, थूक मुट्या मेर ओटो चले जा। लक्ष्मणगढ़ में महिला कॉलेज खोलने की आवश्यकता है, लक्ष्मणगढ़ में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की आवश्यकता है, लक्ष्मणगढ़ के मायने नेचर में भी नारक नेचर पार्क बनाबा की आवश्यकता है, और मौको लागे तो लक्ष्मणगढ़ ने जिलो बनाबा की भी आवश्यकता है। जागता रहो, चेतो राखो, और टेम पर सामने मशीन आवना बटनिया को दबा दो, खुड़को दिल्ली ताणी सुनी जाए। राठौड़ साहब मन्ने वीडियो भेजा, बाने एक वीडियो चूरू में भेज दीजियो, जे नींद आ जाए रात ने तो मेरो नाम बदल दीजियो। बहुत बहुत धन्यवाद।